तो आगे तुम लोग स्वागत है तुम लोग का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज मेरे साथ फिर से है मेरा दोस्त रोहित। हाय गाइस। और मेरे साथ फिर से मेरा दोस्त चिराग। हाय गाइस। मैंने जो मेरी तारक मंडली वीडियोस बना के रखी है उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि भाई यार तू फालतू हेट कर रहा है शो को, है ना। तू बार बार कहता है कि यार शो को बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। बट ये सिर्फ मैं नहीं मानता, जितने भी लोगों ने तारक मंडली देखा है उनको लगता है कि भाई शो खराब हो चुका है। भाई तूने तारक मंडली देखा? हां भाई। तुझे कैसा लगता है अब शो आज के टाइम पे? भाई बहुत खराब है। क्यों लगता है खराब? नए नए कैरेक्टर आ गए। और वो कैसे एक्टिंग करते हैं? भाई बहुत गंदी एक्टिंग करते हैं। पहले वाले कैसे थे? पहले वाले बढ़िया थे। भाई तुझे कैसा लगता है? भाई मैंने पहले वाला देखा, ये वाला नहीं देखा, बट सुना है यार सभी उसको हेट ही कर रहे हैं। वो बड़ा की शादी नहीं कर रहे, एक एपिसोड बार बार रिपीट कर रहे हो। बेचारा कितने दिन से, कम से कम पांच या दस साल से बेचारा एक ही वही कर रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, बीवी के लिए रो रहा है, बीवी के लिए रो रहा है। तुम शादी नहीं करवा रहे हो उसकी। सब लोग चाह रहे कि शो बंद हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने दो दोस्तों को लेके आया हूँ। हम लोग नए एपिसोड देखने वाले हैं और देखने वाले कि भाई क्या रियल में ये एपिसोड अच्छे हैं। तूने मतलब मैंने तुझे बोला है कि शो को बंद करने के लिए कुछ कर, तू रियल रिएक्शन देगा, ठीक है? और तू भी रियल रिएक्शन देगा, वरना सालों पकड़ के मारूंगा तुम दोनों को। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग बहुत सही चीज़ का मैं बताना है, वो है ये टी शर्ट्स। इन टी शर्ट को देखो भाई, कितनी कूल है भाई टी शर्ट। इसने व्हाइट वाली पहन रखी है, मैंने ब्लैक वाली पहन रखी है, कितना बढ़िया प्रिंट है इसके पीछे। और ये टी शर्ट्स 100% फ्रेंच टेलीकॉटन से बनी है, जो कि भाई इसे बहुत कंफर्टेबल बनाता है। 220 GSM की थिकनेस है इसके अंदर, जिसकी वजह से भाई ये बहुत ब्रेथेबल है। हर सीजन में ये बहुत ज़्यादा कूल सी लगती है, बहुत ज़्यादा वार्म सी फील होता है इसके अंदर, और हर सीजन में आप इसको पहन सकते हो। इससे भी स्पेशल चीज़ ये है कि भाई इन टी शर्ट्स को भेजा भाई मेरे खुद के एक सब्सक्राइबर ने, जिसकी खुद की एक कंपनी है आर्टिस्टिक ग्रैब नाम की, और उन्होंने हमें ये टी शर्ट्स भेजी है। तो भाई खुद का एक इंडियन ओन ब्रांड है जो कि ऐसी टी शर्ट्स बना रहा है, कि भाई कूल है। देखो कितनी कूल है, हमें कितनी कंफर्टेबल लग रही है। कैसी लग रही है तुझे पहनने में? प्रिंट देख भाई कितनी मस्त है इसकी। प्रिंट भी बहुत बढ़िया है इसका। एक खुद के इंडियन होम ब्रांड को सपोर्ट करो, हमारे सब्सक्राइबर के ब्रांड को सपोर्ट करो, क्योंकि भाई तुम्हें पता है हम सब लोग एक फैमिली है। तो भाई अगर हमारा कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उनसे सपोर्ट करो, टी शर्ट खरीदो उनकी। और अगर तुम मेरा कूपन यूज़ करोगे कॉमन, तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाकर एक्सपीरियंस करो आर्टिस्टिक ग्रैब की बहुत कूल टी शर्ट्स, क्योंकि ये बहुत कूल लग रही है भाई। मैं तो और ऑर्डर करने वाला हूँ। तो अब हम लोग आ चुके हैं भाई नए एपिसोड्स के ऊपर। अब नए एपिसोड के ऊपर रिएक्ट करने वाले हम लोग, और भाई इन लोग के 4180 एपिसोड हो चुके हैं भाई। इतने एपिसोड कब बना लिए भाई इन लोगों ने? भाई मतलब कब शूट करते हैं लोग, इतने एपिसोड बना दिए इन लोगों ने। और तू तो देखते ही वैसे नए एपिसोड? हां भाई देखता है, डेली देखता है खाने खाते टाइम पे। पूरा फुल रिव्यू देगा लौंडा भाई। ये तू बिल्कुल डाई हार्ड फैन है तारक मेहता का, मतलब कुछ भी बकचोदी जल्दी देखता रहता है, फिर मजा आता है। चाचा जी समझ आइए आप इन लोगों को। मेहता साहब का क्या हालत कर दी भाई? नया मेहता साहब है वो, नया भाई, तभी तो ऐसा अजीब सा लग रहा है। कल ने रास्ता दिखाया है, बच्चों ने तय किया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। भाई इनकी शक्लें कैसी हो गई है भाई, भाई मतलब इन लोगों ने लग रहा है। ये कौन है इधर? भाई ये तो अबे वो कोई और है, अंडिया मत देख। तो क्या पता भाई तो क्या देख रहा है? अबे अंडिया ताड़ रहा है, आप अंडिया ताड़ रहा है। अरे भाई यार मैंने कोई सेक्टर हो गया। बट यार इन लोग की शक्लें ऐसी, इन लोगों ने जो हाई क्वालिटी कैमरा स्टार्ट किया ना यूज करना, उसके वजह से इनकी शक्लें कितनी अजीब सी लग रही है। मतलब वो टायर्ड नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि इनको 24 घंटे काम करवा रहे हैं लोग, है ना। कैसे फोड़ेगी ये बच्चे बटकी, सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आने वाली। क्या बात है, किसके ऊपर क्रश आ रहा है? माधी भाभी के ऊपर, माधी भाभी के ऊपर क्रश आ रहा है। ये आ गई माधी भाभी। क्या होगा ये सोच सोच के रात भर नींद नहीं आने वाली? ये गलत है माधवी। अभी से बोर हो रहा हूँ मैं, आगे निकाल रहा हूँ थोड़ा सा मतलब 2 मिनट भी नहीं देख सकता भाई आजकल के एपिसोड को। तो है भाई। जैसे अभी जैसे सोडी बात कर रहा है, उसके सोडी बात कर रहा है अपने बेटे से ना, तो वो भी पूरा दिखाएंगे 15 मिनट तक। वो वहाँ से रूम से निकल के नीचे सोसाइटी में आएगा, वो भी दिखाएंगे सीढ़ी से उतरता हुआ। भाई साहब पता नहीं कल टप्पू सेना मटकी फोड़ पाएगी या नहीं। टप्पू सेना मटकी फोड़ रही है, टप्पू सेना को जिंदगी में कुछ नहीं करना, कुछ बनना नहीं है उनको, वो साले चने बेचेंगे। चने नहीं, वो मटकी फोड़ के मटकी फोड़ गए भाई। भाई मतलब इवेंट मैनेजर है भाई टप्पू सेना, कभी दिवाली करनी है टप्पू सेना कर देगी। तेरे को कोई इवेंट करवाना है क्या? मुझे करवानी है भाई, चिराग का मुंडन करवाना है मुझे, तो उसके लिए बुलाऊंगा मैं टप्पू सेना को। नहीं भाई कैमरामैन को नीड दे यार। किसकी भाई? तेरे को टप्पू सेना बुलवा देगा यार, कोई दिक्कत नहीं। इसको भर्ती करवा देते हैं उसके अंदर। अब देख सब बात कर रहे हैं, तू नोटिस कर रहे हैं? पहले इन लोगों ने गोगी घर दिखाया, फिर अय्यर भैया घर दिखाया। कोमल तुम टेंशन की बात मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे टेंशन, मुझे भूख लग जाती है। देखा देखा सही बात है। अब देख एक बात बोलूं, पूरे सोसाइटी में दुनिया भर की चीजें हैं, इलेक्शन हो रहा होगा कहीं पर सोसाइटी में झाड़ू पोछा करने की जरूरत होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। फर्क पड़ता है कि टप्पू सेना मटके कैसे फोड़ेगा। बिना किसी तैयारी के हमारी टप्पू सेना दही हंडी फोड़ने में कैसे सफल होगी?
मैं टाइम पास के लिए देखता रहता हूं भाई। भाई तू तो खतरनाक है, तेरे को टाइम वैसे बोर सा फील नहीं होता इसको देख के? नहीं भाई, अजीब नहीं लगता भाई, मेरे को सब दीवार में मारने का मन नहीं करता। तो तेरे हिसाब से देखो ये शो चलना चाहिए लंबा? हां भाई चलना चाहिए। कितना लंबा चलना चाहिए? कंटिन्यू चलना चाहिए। तो अभी कितने एपिसोड और होने चाहिए? अब 4000 तो हो गए, और कितना करवाएगा? अरे चलते रहेंगे ये तो। तुझे कितना चाहिए? तुझे कितना चाहिए बता। चाहता है कि इसका एंड ही ना हो कभी। हाँ भाई, भाई तेरे को इसमें भर्ती करवा देते हैं। गोगी का पिंकू का रोल दे देते हैं। ये तो भाई पूरा डाई हार्ड फैन है भाई। मुझे लगता है सुबह उठते तारक मेहता देखता है, रात को सोता तारक मेहता देखता है भाई। है नहीं भाई, खाना खाते रहे हम देखते हैं। खाना तो तीन टाइम करता है तू भाई। इवनिंग में देखता हूं भाई। अच्छा इवनिंग में देखता है। ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने सोचा तीनों टाइम तू यही देखता है। नहीं भाई, जिंदगी खत्म हो जाएगी ये देखेगा तो। मम्मी बोल रही है भाई, मम्मी सही बोल रही है भाई, छोड़ दे इसको। पुराने एपिसोड देख ले इसके भाई, प्लीज भगवान के लिए। पिंकू आया, ये तो चिराग है। टोपी, अरे तो वो चल रहा क्रिसमस का है। इसको एपिसोड तक याद है भाई, इसको एपिसोड तक याद है। तूने देख रखा है? हाँ भाई। अब क्या होगा आगे? अब ये गिफ्ट देंगे सबका अलग अलग, पूरे 20 मिनट में यही होगा। पूरे 20 मिनट में और कुछ अलग सा होगा? कुछ इसमें होगा, नाम बुलाएंगे और गिफ्ट देंगे। हटाओ इसको, हटाओ फिर हटाओ। क्रिसमस के बाद क्या आता है? न्यू ईयर की प्लानिंग करेंगे फिर रात। अरे भाई हाँ, वो सब प्लानिंग करते रहते। समझ गया समझ गया भाई, थंबनेल वाला भी याद है मेरे को, देख के याद है। तो ये एपिसोड भी याद है? हां भाई। क्या होगा इसमें? सोनू को लेके जाता है गार्डन में, प्रपोज करता है, फिर बिडेन का पिता करते करते पहुंच जाता है। थंबनेल देखे बता दिया तूने एपिसोड यार, ये भी जानता हूं सारे देखे हुए। इसमें क्या जेठालाल पर नई मुसीबत आई, इसमें क्या होता है? ये साड़ी के लिए भाई, ये बंदा क्या है भाई, तैयार फैन है भाई। ये इसको बैट देगा, जम्मू कश्मीर से लाया हुआ। कौन लाया जम्मू कश्मीर से इसको? चंपक चाचा। चंपक चाचा जम्मू कश्मीर गए थे इस उम्र में? जम्मू कश्मीर? अरे भाई पता नहीं। अरे भाई तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में किसको ज्ञान दिया होगा इसने कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटा? अच्छा थैंक यू सो मच। ये बैट कश्मीर का है, कैसा लगा बैट? बिल्कुल आपके जैसा, प्यारा प्यारा। ऐसे कौन बोलता है अपने दादा को? ऐसे कौन बोलता है? मतलब तेरे दादा, तेरे दादा तेरे लिए चाकू लेके आए, तेरे दादाजी तेरे चाकू लेके आए कि बेटा ये ले तेरे चाकू लेके आए, तो आप ऐसे, तो इसको ऐसे बोलेगा दादाजी आपकी तरह बिल्कुल नौकीला? के जैसा, प्यारा प्यारा। Why are you gay? तो भाई ये बंदा लिटरली पड़ोस में रहने में लड़की को डेली सीटी मार के बुलाता है। नहीं इसी एपिसोड में फिर आगे इसको लेके जाएगा गार्डन में, लेके जाएगा। अच्छा प्रपोज करेगा फिर, है ना भाई? ये बिल्कुल अपने बाप पे जा रहा है भाई, वो बबीता को छेड़ता है, सोनू को छेड़ रहा है भाई ये। अरे यार वो तो देखते हैं अभी जरा। जेठालाल और अब्दुल भी ठीक है, पोपटलाल और तारक मेहता। तारक मेहता तो अब तो पूरा नया आ गया ना। अगर इन लोगों ने शो छोड़ दिया तो लगता है शो चलेगा? नहीं। जेठालाल ने शो छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, कहे कि भाई मेरे को नहीं करना, बिल्कुल नहीं चलेगा, बंद ही हो जाएगा। ये नए सारे संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे भाई। नट्टू आकर कितना अजीब लगता है, पूरे नए तो पूरे अजीब लग रहे हैं यार, बहुत अजीब। ये सोनू को बुलाने के लिए बुला रहा था, फिर सोनू आई। हाँ ना, फिर सोनू पसंद करती है डप्पू को यार। इनके तो मेरे को लगता है माधी भाभी को पसंद करता है चंपक चाचा। सोनू को पसंद करता है टप्पू, सविता को करता है जेठालाल। नहीं भाई टप्पू उसको भी अभी, ओ नया टप्पू यार। देखो टू बी ऑनेस्ट, इतने एपिसोड देख लिए, बट जो पुराना वाला फील था ना, पुराने एपिसोड में जो मजा था ना, मतलब जो जितने भी नए एपिसोड है भाई, वो अलग ही फ्लो में चल रहे हैं। पुराने एपिसोड में भाई ना खुद ही क्या वर्ड होता है वो, ऑर्गेनिकली नेचुरली हंसी आती है ना, बट इन एपिसोड में नेचुरली हंसी आई नहीं रही। हम लोग इनके कैरेक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, तब जाके हम लोग हंस रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वरना बाकी अगर मुझसे कोई कहे ना कि भाई तू आधे घंटे तक इसका एपिसोड देखिए जिसमें कौन जीतेगा पेनल्टी शूट का गेम, तो मैं नहीं देख सकता भाई। या फिर वो कौन फोड़ेगा हांडी, जहाँ पर टप्पू से हांडी फोड़ रही है, वो भी मैं नहीं देख सकता। और फिर वो जहाँ अब्दुल भाई दुकान छोड़ रहे हैं, वो भी नहीं देख सकता भाई। उसमें पीछे उन लोगों ने सास बहुत पूरा म्यूजिक लगा रखा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया है। मेरे गाँव में रहीम चाचा रहते थे, तो रहीम चाचा ने ही मदद की थी। मैंने तो सुना अब्दुल भी चले गया था। अब्दुल नहीं, अब्दुल तो वही है, मतलब रिप्लेस नहीं हुआ अब्दुल। नहीं कभी भी नोटिस करना, जब भी कोई कैरेक्टर जाता है ना, तो एक स्टोरी लाइन लेके आते हैं जहां पर भाई उस कैरेक्टर को निकाल रहे होते हैं कुछ ना कुछ बहाने से। जैसे गोली गया स्कूटर लेके, नया गोली आ गया,
दया भाभी गई, गाया भी हो गई, सोरी गैस नया सोरी आ गया, रोशन भाभी भी नहीं आ गई। तो इन लोगों ने इस बार भी प्लानिंग की थी अब्दुल को भगाने की, बट शायद बाद में अब्दुल मान गया पैसे से लेके थोड़े बहुत, और फिर रह रहा क्या बताया है ना, ऐसा एक एक प्रेडिक्शन बनता है। कॉमेडी शो है, तुम्हें अगर करना था कि यार अब्दुल दुकान छोड़ के जा रहा है, तुमने कुछ फनी कर दिया था उसके पीछे, बट नहीं, तुम क्या कर रहे हो वहां पर, वो अब्दुल जा रहा है और सारे लोग रो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, सैड सैड, रहीम चाचा ने मेरी दुकान दिला दी, ये वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है यार। बस ये एक अकेला बंदा हो दुनिया में चाहता है कि भाई इसके और एपिसोड बने, भाई दुनिया में नहीं भाई, तो और भी बंदे होंगे, बट तेरा क्या हिसाब है, तू चाहता है कि और बने एपिसोड? हाँ भाई, टाइम पास के लिए बनने थे, बट रियल रियल दिल से बोल, ये तो तू फैन है इसलिए बोल रहा है, ठीक है, बट तू रियल दिल से बोल, तुझे नहीं लगता कि यार शो में थोड़े चेंजेस होने चाहिए या फिर इसको रिस्पेक्ट से? देख इतना अच्छा शो है, पहले एपिसोड बहुत बढ़िया थे, बहुत आइकॉनिक एपिसोड थे, कभी बैठे अपन लोग देखे तो मजा आता है कि नए एपिसोड उस चीज को बर्बाद नहीं कर रहे, उसकी इमेज खराब नहीं कर रहे, कर रहे हैं भैया तो, है ना, नए करेक्टर, ये नट्टू काका, नया गोली, फिर ये तारक, ये इमेज खराब नहीं कर रहे पुराने एक्टर्स की, और तो तुझे क्या लगता है रिस्पेक्ट में बंद नहीं करना चाहिए? और तुमने कॉन्ट्रोवर्सी नहीं सुनी जहाँ पर वो असित मोदी ने कितनी सारी एक्ट्रेसेस को छेड़ा, सुनी बात? क्या सुनी? उस हिसाब से तो ये गलत है ना, गलत है ना, उसने भी तो एफआईआर की थी ना इसके ऊपर। हाँ, तो वही अंजलि ने नहीं की, अरे यार ये अलग नशे कर रहा है अंजलि भाई, अबे रोशन भाभी ने की थी, बट भाई मुझे लगता है पुराने एपिसोड बेस्ट थे, नए एपिसोड बेकार थे, नो वन कैन चेंज माय माइंड, लाइक ये अकेला बंदा है जो सपोर्ट कर रहा है, हम दोनों तो साइड में कि भाई नहीं चलना चाहिए, मैं अकेला नहीं, और भी बंदे हैं भाई, हमें लगता है बंद कर देना चाहिए, अभी तो बोल रहा नहीं करना, बोल रहा बंद करना चाहिए, एक बात करना, कंटेंट के हिसाब से सारी पुराने कैरेक्टर की इमेज खराब कर रहे हैं, तो बंद कर देना चाहिए। तो भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना, ये शो चलना चाहिए फिर खत्म होना चाहिए या फिर इसके और एपिसोड बढ़ने चाहिए जैसे ये बोल रहा है 16,000 एपिसोड, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ये हमारा सीरीज तुम्हें पसंद आ रहा है कि हम तीनों मिलकर रिएक्ट करें चीजों के ऊपर, बताना अगर तुम्हें पसंद आ रही है चीज तो हम और करेंगे, चैनल को नया चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्कार।